दुनिया में एक बार फिर कोरोना का कहर बढ़ने लगा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। भारत में ओमिक्रॉन के दस्तक के बाद हरियाणा सरकार ने भी केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी कर दिए। वहीं फरीदाबाद में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सजग नजर आ रहा है, लेकिन जिले में विदेशों से आए 104 लोग ट्रेस नहीं हो पा रहे। सीएमओ के अनुसार इनके एड्रेस और फोन नंबर गलत पाए गए, इसलिए अब इन लोगों की सूची पुलिस कमिश्नर को भेज दी गई, जिन्हें अब स्थानीय पुलिस अपने स्तर पर खोजने की कोशिश करेगी। मीडिया से बातचीत में फरीदाबाद के सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता ने बताया, हाई रिस्क देशों से अब तक जिले में 490 लोग आए, उनमें 122 लोग ऐसे हैं जो 8 दिन का पीरियड पूरा कर चुके हैं। वहीं सीएमओ के अनुसार स्वास्थ्य विभाग ने 118 लोगों को ट्रेस कर उनके सैंपल ले लिए, जबकि 104 लोग अभी तक ट्रेस नहीं हो पाए, जो कि चिंता का विषय है। इसलिए अब स्वास्थ्य विभाग ने इन 104 लोगों के नाम समेत सूची पुलिस कमिश्नर को भेज दी। अब पुलिस अपने स्तर पर इनको तलाश करेगी और आगे की कार्रवाई करेगी। इस कंट्री से कल तक हमारे पास टोटल 490 लोग आए हैं, उनमें से जिनका 8वां डे है वो 222 हैं, इनमें से 118 को हमने ट्रेस कर लिया, उनके सैंपल ले लिए हैं। 104 लोग हमें अभी ट्रेस नहीं हो पाए हैं, जिनकी सूचना हमने कमिश्नर पुलिस को दे दी है। सीएमओ ने बताया कि जो लोग खुद संपर्क नहीं कर रहे, उन्होंने अपने नाम सहित एड्रेस और फोन नंबर गलत दिए हुए हैं, जिनके नाम और सही सूची अब पुलिस को सौंप दी गई। उन्होंने कहा, अब तक जिले में ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक भी केस सामने नहीं आया, जबकि फरीदाबाद से संबंधित एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसे दिल्ली में दाखिल किया गया, लेकिन इस नए वेरिएंट को लेकर भेजे गए सैंपल्स की रिपोर्ट आना बाकी है। उन्होंने कहा, पब्लिक को घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि उन्हें कोरोना गाइडलाइन के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। जिन्होंने दूसरी डोज नहीं लगवाई, वे जल्द से जल्द उसे लगवा ले, ताकि उनकी बॉडी में एंटीबॉडी विकसित हो। हमारे फरीदाबाद में अब तक भी ओमिक्रॉन का एक भी पेशेंट नहीं है। 4 तारीख को एक फरीदाबाद रेजिडेंट आया था, जो कि LNJP अस्पताल में एडमिट है, वहाँ पर उसका इलाज चल रहा है और उसकी सारी जाँचें की जा रही है। वो कोरोना पॉजिटिव था, ओमिक्रॉन है या नहीं अभी तक जीनोम सिक्वेंसिंग की रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए हम उसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते।